नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम 5 मिनट में 25 खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के पूर्व सीएम को दी श्रद्धांजलि, कहा जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए कल्याण सिंह। कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर तिरंगे के ऊपर रखा गया बीजेपी का झंडा, कांग्रेस टीएमसी ने उठाए सवाल। श्रीनगर के सफाक दल में आतंकियों का ग्रेनेड से हमला, 2 पुलिसकर्मियों सहित 3 घायल। कश्मीरी विस्थापितों को वापस मिलेगी उनकी पुश्तैनी जायदाद, सरकार ने उठाया यह बड़ा कदम। पराली जलाने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश, सीक्यूएम ने राज्यों से कहा लागू कराएं प्रोटोकॉल। बाइडेन ने कहा अफगानिस्तान में 31 अगस्त के बाद सैनिकों की तैनाती पर हो रही है चर्चा। बाइडेन को तालिबान पर नहीं भरोसा, अभी तक काबुल से कई अमेरिकी नागरिक किए जा चुके हैं एयरलिफ्ट। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे में पाकिस्तान और आईएसआई की अहम भूमिका, शीर्ष अमेरिकी नेता का हमला। अफगानिस्तान से नागरिकों की वापसी के लिए जापान भेज रहा सैन्य विमान। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने ली देश में विकसित पहली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय ने दी बड़ी झूठ, बिना टेस्ट के स्वतंत्र निदेशक बन सकेंगे प्रोफेशनल। माइक्रोसॉफ्ट पेप्सिको समेत 3 अमेरिकी कंपनियां यूपी में 7500 लोगों को देंगी रोजगार। जातिगत जनगणना यानी वोट बैंक बढ़ाने की बेताबी, भाजपा के वोट प्रबंधन ने कांग्रेस की डराया। जन्माष्टमी पर बिक्री के लिए आई थी तस्करी कर लगाई श्री कृष्ण की बेशकीमती मूर्ति, लखनऊ पुलिस ने तस्करों को किया गिरफ्तार। कल्याण सिंह के नाम पर होगा राम जन्मभूमि परिसर जाने वाली सड़क का नाम, जल्द पास होगा प्रस्ताव। भारत की एक और एथलीट ने किया कमाल, लॉन्ग जंपर शैली सिंह ने वर्ल्ड अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप में जीता सिल्वर, सिर्फ 1 सेंटीमीटर के फासले से चूकी गोल्ड। कोविड-19 के सख्त नियमों के बीच होगा ओलंपिक खेलों का प्रदर्शन, 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा इसका आयोजन। आईपीएल फेज 2 से पहले विराट कोहली की टीम में हुए बड़े बदलाव, कैटिच की जगह माइक हिसन ने बनाया गया टीम का नया कोच। तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर किया कब्जा, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त, अजीजुल्ला फजली बने चेयरमैन। इंग्लैंड ने एक पारी में ढोके 900 रन, फिर दर्ज की टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत। कंगना रनौत की थलेवी ओटीटी के लिए रिकॉर्ड प्राइस मिलने के बावजूद सिनेमाघरों में होगी रिलीज। ट्रिपल आर की रिलीज को लेकर आई बड़ी खबर, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राम चमोली से फिल्म की रिलीज डेट टालने की अपील की। केजीएफ 2 की रिलीज डेट आई सामने, 14 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। नीना गुप्ता ने फिल्म शिव शास्त्री बालवो की पूरी की शूटिंग, शेयर किया सेलिब्रेशन का वीडियो।
टाइगर श्रॉफ की गणपत पार्ट 1 23 दिसंबर 2022 को होगी रिलीज। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।